बार मेयर कौन बन सकता है भैया? मेयर जी कामनी राठौर, मुझे नहीं पता सर। तो बसपा को जिता रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं अभी एडल्ट हूँ तो मुझे नहीं पता इस बात। उज्जवल गुप्ता, अच्छे प्रत्याशी को ही वोट दिया जाए। उज्जवल गुप्ता होनी चाहिए। अच्छा छाता जी सरकार, छाता छाता मेयर तो फुल के बनेगा। कामनी राठौर मेयर, मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी चुनावी माहौल है और चुनावी सरगर्मियां जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है वो लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ जो गर्माहट है मौसम में, मिजाज है जो मौसम का, वो बदलता जा रहा है। जो चुनावी मौसम है वो बिल्कुल एक अलग रूप लेता जा रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये ज़मीनी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हकीकत है। ये फेसबुक का सर्वे नहीं है, ये हकीकत का सर्वे है। तो इस सर्वे में हम क्विक सर्वे करके आपको बताएंगे कि कैसे लोगों के मन में क्या चल रहा है और जन का मन क्या कहता है, फिरोजाबाद की जनता का मूड क्या है। हम इस समय कोटला रोड चौकी पर हैं और यहां से स्टार्ट करेंगे। आज कोटला रोड का सर्वे हम करेंगे। कोटला रोड पर हम आपको लोगों से पूछ कर बताएंगे कि उनके जन का मन क्या कहता है। भैया इस बार किसकी सरकार, कौन बनेगा मनमोहन? मैं क्या बताऊँ इसमें, जो जनता चुनेगी वो बनेगा। कौन फिर भी किसकी लग रही है उम्मीद? मैं अभी एक क्वेश्चन बता सकता, जनता का मूड है जहाँ जनता का मूड है, लोग यहाँ पर तो कहने से बच रहे हैं। सर इस बार कौन महापौर हो सकता है? अब ये तो कह नहीं सकता, फिर भी नजर हवा की तरफ चल रही है। अब ये तो मैं बाद में मालूम पड़ेगा, जब जीत हारा होता है अब उसके बाद उनकी पार्टी का मेयर बन सकता है। अब देखो वैसे तो बीजेपी है अपनी, बीजेपी हाँ बीजेपी एक वोट। आइए जल्दी हम आपको दिखाएं कि सर्वे क्या है भाई, लोगों की मूड क्या है। बाबा जी इस बार कौन महापौर बन सकता है, मेयर कौन बन सकता है, इस बार मेयर कौन बन सकता है, किस कौन सी पार्टी का मेयर होगा, कौन सी पार्टी होगा, ये सवाल सुनूंगा। अच्छा समय बताएगा, किसको वोट देंगे आप? हम किसको वोट देंगे, हम तो हाउ रहा हूँ तैयारी के लिए। अब तो प्रॉब कर रहा बता रहे हैं, अब तो प्रॉब कर रहा बता रही का हुए ना बता रहे। अच्छा तो मैंने ये हमने तो वोट दे वोट। अरे आप काहे को, आप नहीं है हजारों साल 100 साल दिए, आप बता भैया किस पार्टी में हो सकता है? नहीं बता सकते ये तो, इस बात तो शिवरे वाणी की लड़की होनी चाहिए। अच्छा उसको तो वोट नहीं आती काम डॉक्टर को तो। अच्छा हाँ नहीं कह सकता हूँ, कौन होना चाहिए? शिवरानी शिव हरे शिव हरे। चलिए चलिए भैया कौन हो सकता है इस बार मेयर, कहाँ से रहा है? हाँ चांसेस तो उन्हीं के हैं, राठौर बीजेपी। हाँ आपको क्या लगता है? हमारा वही है, वही है आपका भी, आपका भी भैया ठीक है वो। अच्छा अच्छा होता हाँ, वही जीतेंगे 100% वही जीतेंगे बिल्कुल फाइनली। चलिए ठीक है आइए आइए और जल्दी जानते हैं भैया इस बार मेयर कौन बन सकता है, किसको वोट देंगे? बीजेपी बीजेपी को वोट देंगे, बहुत काम किया, अच्छा काम किया। हम तो देश को देखते हैं, घर को नहीं देखते, देश में बहुत अच्छा काम किया, मजबूत देश किया है अपना, और बीजेपी। चलिए चलिए घर में भी काम होना चाहिए, घर में भी काम होना चाहिए। आप लोग के वोट हैं, किसको वोट देंगे? अब किसको दे, मनाते को दे देंगे हम, तेज को करेंगे। अच्छा कौन सी पार्टी को देंगे? कौन सी पार्टी, अजय पार्टी चलने पे नहीं दे देंगे। अच्छा जी जी किसको देंगे? तो बता दे बाद घर में गांड दे बाद भैया दे देंगे वो तो बोलते। अच्छा तो रात में थाने के अगर उस संजो बोल देंगे। जी जी क्या किसको? जो राजेश वानी दे रहे हैं 13 महीने उसे ही वोट देंगे, किसी और को यानी भाजपा को देंगे, वो से ही देंगे राशन पानी कहाँ आ जाए। अच्छा तो राशन वालों को देंगे भाई, ये तो राशन देने वालों को। आप किसको वोट देंगे? सर जो सब कुछ देगा उनको वोट देंगे। अच्छा राशन पानी है हाँ जैसे भी है। अच्छा वो इस बार मेयर के इलेक्शन में कौन बनेगा महापौर हम जानने के लिए आए हैं, तो कौन बनेगा महापौर इस बार? वो ये नहीं पता बस। आपको नहीं पता? अच्छा इन्हें नहीं पता, आपको पता है कौन बनेगा महापौर इस बार? जानकारी नहीं है सर। चलिए इस बार मेयर कौन बन सकता है, कौन से पार्टी का, इनसे पूछें। अच्छा इन्हें ज़्यादा पता है, इस बार मेयर कौन सी पार्टी का बनेगा? सैम नूतन कामनी राठौर सुनते हैं। कामनी राठौर जी आपको क्या लगता है?
फूल चलेगा इधर तो फूल चलेगा। आई और लोगों से पूछते हैं भाई कुछ लोग और मिले सर सर इस बार मेयर कौन बन सकता है कौन सी पार्टी भाजपा 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 आइए इस बार मेयर किस पार्टी का हो सकता है भैया मैं तो गांव का आदमी है। अच्छा तो आप चेयर अभी कुछ नहीं सकते अभी सर्वे का आप ये 4 तारीख को पता पड़ेगा कितना में कितना वोट जाएगा। अच्छा तो एक सर्वे अगर किया जाए तो कौन जीत सकता है तो ऊपरी बताए पार्टी बताई किसको वोट डालेगी किसको वोट जनता देखेंगे किसको वोट डालेगी जनता। हाँ जनता में अभी सोच समझने लगे किसको वोट डाले किसको नहीं वोट डाले। अच्छा जनता तो आप ही हैं जनता तो भी अभी तो हमारा वोट तो बना नहीं है। अच्छा वोट नहीं बना है आपका वोट बना है किसे देंगे इस बार सरकार में सर कौन सी पार्टी जो सरकार चल रही है भाई जो सरकार चल रही है भाजपा। अच्छा भाजपा को वोट देंगे इधर किसको वोट देंगे सर किसको क्या माहौल लग रहा है हवा क्या लग रही है वो हवा कचरा लग रही है। अच्छा गर्मी लग रही है सबकी एक सी लग रही है एक सी लग रही है सब प्रचार किसकी किसकी उम्मीद ज्यादा है ये पहले मेरा। अच्छा चलिए हाँ आइए क्या दरअसल ये जो रोड है यहाँ पर इस तरफ से जो जाने वाला आदमी है वो गांव की तरफ का है तो उसे शहर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है लेकिन चूंकि शहर में आते हैं लोग तो मालूम होना चाहिए शहर में ही काम कर रहे हैं शहर में आ रहे हैं जा रहे हैं शहर में सारी चीज़ें हैं तो शहर का महापौर कौन होना चाहिए। कामिनी राठौर। कामिनी राठौर आप बताइए। कामिनी राठौर ही उनकी। कामिनी राठौर कौन होना चाहिए सर मेयर इस बार कौन कामिनी राठौर। मैम एक्सक्यूज मी कौन होना चाहिए इस बार मेयर। सॉरी मैं अभी एडल्ट हूं तो मुझे नहीं पता इस बार के कौन होना चाहिए मेयर इस बार। नहीं मैम मैम कौन होना चाहिए इस बार मेयर मेयर थी वो मेयर कौन होना चाहिए मेयर तैयारी मैंने कुछ देर से मैं दिया डिसीजन अभी फिर भी क्या मुझे तो आज ही नहीं है मैं कैसा नाम है अभी तो मैंने कोई नूतन नर कोई जानती और किसी को भी आईडिया नहीं कुछ भी। हाँ चलिए आप बताइए सर इस बार मेयर कौन हो सकता है कौन होना चाहिए कौन सी पार्टी। अच्छा पार्टी बता दीजिए पार्टी कौन सी होनी चाहिए। अरे पार्टी वैसे नहीं बताई ना भैया भाजपा वाले भाजपा बीजेपी वोट बीजेपी आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए इस बार मेयर विधान जी बात कोई भी भाई अपनी बात हाथ तरफ बनने। अच्छा बताओ बताओ कौन कौन मैंने मेयर भैया सर ऐसा है मेयर तो देखो एफ थ्री जो काम कराए वही होना चाहिए। कौन सी पार्टी से आप पार्टी तो भैया ऐसा है मैं एफ थ्री नाम नहीं सकता पर जो काम करना चाहें वही मतलब ठीक है। चलिए चलिए आइए और हेलो 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 कौन मेयर होना चाहिए इस बार मेयर काम की राठौर होने थे काम ही नहीं राठौर सही थे आइए और लोगों से आप पैर वोट आप करें और इस तरह चलते हैं कौन होना चाहिए इस बार मेयर कौन होना चाहिए मेयर मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी होनी चाहिए बीजेपी होनी चाहिए बीजेपी की होनी हाओ इधर मैम कौन होना चाहिए मेयर इस बार नहीं चलिए कौन होना चाहिए वो तो ये रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। हाँ तो फिर भी चलना है अच्छा कौन होना चाहिए सर इस बार मेयर मेयर कौन होना चाहिए तो बीजेपी जाओ बीजेपी बीजेपी इधर इधर जानते हैं सर कौन होना चाहिए मेयर इस बार बीजेपी कौन होना चाहिए मेयर इस बार उज्ज्वला निर्दलीय प्रत्याशी ये जो हमारा क्विक सर्वे है उसमें हम जल्दी जल्दी सिर्फ लोगों से नाम पूछ रहे हैं कि कौन होना चाहिए कौन जीत सकता है उम्मीद किसकी है ये सारी जो आपको हम बताएंगे इस सर्वे में तो आपको एक पैन मालूम पड़ेगा कि किस तरफ जो हवा है वो जा रही है और किस तरफ मेरे का रुझान है कौन होना चाहिए भैया इस बार मेयर उज्ज्वल गुप्ता उज्ज्वल गुप्ता एक और वोट मैडम इस बार कौन मेयर होना चाहिए
अभी क्या बोला कौन सी पार्टी से अभी तो किसी के सपोर्ट नहीं है ये तो गलत है जी जी चलिए चलिए कोई बात नहीं कौन होना चाहिए मेयर कौन होना चाहिए इस बार मेयर कौन होना चाहिए मेयर मुझे अच्छा विकास कराए वो होना चाहिए नहीं तो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए खिच्ची देना चाहिए नए लड़कों के बारे में सोच सके चलिए अभी क्या लग रहा है किसकी आवाज़ चल रही है अभी तो कुछ पता नहीं है जिसकी कुछ कह नहीं सकते कोई उज्ज्वल को बता रहा है कोई है ना कामना जी को बता रहे अच्छा और वैसे सारे ऐसा लग रहा है कि सपा निकल सकती है अच्छा। तो लोग आपसे लड़ते रहेंगे सपा निकल जाएंगे हम अच्छा तो आपके हिसाब से अगर किसी एक को चुना जाए तो कौन वैसे तो मैं बता रहा सर शिक्षित होना चाहिए शिक्षित होना चाहिए आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है तो बसपा की उम्मीद है बसपा बसपा की उम्मीद है हाँ अच्छा ठीक है इधर क्या लगता है कौन जीत सकता है मैं पूछा नहीं अतन गुप्ता उज्जवल गुप्ता आप बताए उज्जवल गुप्ता आप बताइए तो कमल का फूल साहब जी का कामी राठौर आपको क्या लगता है उज्जवल गुप्ता और कामी राठौर बराबर टक्कर रहेंगे फिर भी अगर एक क्वेश्चन है तो कौन उज्जवल गुप्ता का ज्यादा प्रियो उज्जवल गुप्ता का ज्यादा आइए और व्यक्ति जानेंगे इस बार कौन है मेयर कौन बन सकता है नहीं वो बन रहे कौन कामनी राठौर कामनी राठौर तो इधर एक वोट उज्जवल गुप्ता एक वोट कामनी राठौर बराबर आया और जानते भैया इस बार मेयर कौन हो सकता है बीजेपी का चांस ज्यादा बीजेपी का चांस है आपको क्या लगता है वो सर बीजेपी का चांस ज्यादा है बीजेपी का चांस है बीजेपी का चांस है सर जी जी और ट्रैप आई इस बार कौन जीत सकता है मेयर कौन बन सकता है कामिनी राठौर इधर सर शतरंज में सर खपा रहे हैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा इस बार मेयर कौन बन सकता है किसकी हवा है वैसे हमारे हिसाब से अगर आप पूछना चाहते हैं तो बेचारी का उसके जो असलेक्ट बता हुआ है उसे बनना चाहिए अच्छा हाँ बसपा बसपा आपको क्या लगता है देखिए मेयर भारतीय जनता पार्टी की कामनी राठौर ही बन रही है क्योंकि हमेशा सरकार जिसकी होती है उसका ही मेयर बनता है और कामनी राठौर एक धिराड़ी है निष्पक्ष बिना दाग की कार्यकर्ता है इसलिए मेरा मत है कि वो कामनी राठौर ही बनेगी कामिनी राठौर ही बनेगी चलिए आइए और लोगों से पूछे हाँ चलते चलते और कुछ लोग मिला इधर मंदिर है शिव जी के कुछ भक्त है ठीक इस बार कौन मेयर बन सकता है किसकी हवा है अब इन तो भैया कोई पता ना है को बने को नहीं बने ये तो नसीब की बात है को निर्दलीय लिखत जाए कि पार्टी को लिखत जाए को कोई पता होना चलिए आपको क्या लगता है हमें तो लगता है चेंज होना चाहिए अच्छा पार्टी का कोई कौन सी पार्टी का होना चाहिए तो बीएसपी का है बीएसपी का ही हो जाए तो बढ़िया है बीएसपी का बीएसपी होनी चाहिए आपको क्या लगता है वोट है वोट नहीं है वोट नहीं है सर वोट है वोट नहीं है अभी 18 के पूरे नहीं हुए हाँ आपको क्या लगता है कौन इस बार मेयर हो सकता है मैंने उज्जवल की दत्ता जी हैं बाकी फाइट आपको क्या लगता है उज्जवल गुप्ता ही चल रही है यहाँ पर तो उज्जवल आइए आइए और जानते हैं क्या लग रहा है इस बार कौन मेयर हो सकता है मेयर कौन हो सकता है मुझे तो इसका दिक्कत ज़्यादा दिख रहा हूँ उज्जवल का आइए आइए कुछ और लोग मिले इधर दुकान पे सर इस बार कौन मेयर हो सकता है सर मुझे कुछ नहीं पता आप बताइए आपका वोट है नहीं है आइए आइए कुछ और लोगों से मिले और उनसे पूछें किस पार्टी का मेयर हो सकता है तो उज्जवल गुप्ता के भी लोग कह रहे हैं और कामिनी राठौर भी टक्कर पर हैं लेकिन भारतीय बस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दो पार्टियां ऐसी हैं जिनका वो परसेंटेज दिख रहा है सब है वो कम दिख रहा है आपको क्या लगता है कौन इस बार मेयर हो सकता है वो तो नहीं
नहीं इधर नहीं बोलना चाहेंगे, इधर बोलना चाहेंगे कुछ लोग, कौन मेयर होना चाहिए इस बार? काम करे आपके हिसाब से कौन डाल तो पहिया हो जाए पहिया तो पहिया आपके क्या लगता है इस बार कौन मेयर होना चाहिए? कौन भैया 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 हाँ क्या लगता है इस बार कौन मेयर हो सकता है? मेयर कौन होना चाहिए? मेयर कौन होता कौन था पीरियड कौन सा रहा है कौन खड़ा है आपको नहीं पता तो था ही रही है What a toast, right? इस बार मेयर कौन हो सकता है कौन होना चाहिए? हम पॉलिटिक्स से मतलब थी अच्छा नहीं चलिए तो कुछ लोग हैं जो बोलने को तैयार नहीं है पर कोई बात नहीं हम तो जो है वो पूछेंगे इस बार कौन मेयर हो सकता है मेयर कौन होना चाहिए? उज्जवल गुप्ता उज्जवल गुप्ता आइए और लोगों से पूछे तो यहाँ उज्जवल गुप्ता की टक्कर नहीं है कौन मेयर होना चाहिए इस बार? उज्जवल गुप्ता उज्जवल गुप्ता एक और वर्ड तो इधर उज्जवल गुप्ता की नहर है लोग कह रहे हैं उज्जवल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी दोनों का टक्कर है आपको क्या लगता है इस बार मेयर कौन होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और उज्जवल गुप्ता की टक्कर चलिए अच्छा दोनों में से कौन हो सकता है किसके चांस ज्यादा है? ये जनता निर्णय करेगी चांसेस किसके ज्यादा लगता है दोनों भी है दोनों के हैं नहीं दोनों नहीं किसको ये बताना हम तो बसपा को जिता रहे हैं अच्छा आप बसपा को जिता रहे हैं आप अब देखे जनता जिताएगी हमारा भी तो जनता ही है अब दोनों में से कोई ना कोई तो होगा कौन कौन दोनों में से अब से भाजपा में भाजपा की टक्कर बीएसपी से है अच्छा बीएसपी से है क्यों कहते देखना अच्छा रिजल्ट आएगा सामने तब देखना हाँ चलिए आइए रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा वो तो 4 तारीख को वोट आएंगे और 13 तारीख को उसका परिणाम आएगा और 13 तारीख के परिणाम के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन जीता है और किसको जनता ने अपना समझा है अपना बनाया है तो ये 4 तारीख है वोटिंग के बाद में कुछ रुझान आ सकते हैं और ये स्थिति क्लियर हो सकती है कि कौन इस बार महापौर हो सकता है फिरोजाबाद में कौन विकास करेगा कौन महापौर की कुर्सी संभालेगा और कौन फिरोजाबाद के लिए काम करेगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी और इस बार कौन सी पार्टी का मेयर हो सकता है सब कुछ हो तो मेयर कौन सी पार्टी का बनना चाहिए निर्दलीय आ रहा है वोट है आपका आपका वोट है वोट नहीं है अभी नहीं है आपका वोट है कौन इस बार मेयर हो सकता है दोनों ही हो सकते हैं इनमें से किसी चांस दोनों के अच्छे हैं दोनों तो होगा तो एक ही कोई नहीं होगा तो वैसे तो पुलिस जीतेगा लेकिन टक्कर बात कांटे की है हाँ कौन दे रहा है टक्कर कौन दे रहा ये उज्जवल गुप्ता दे रही है उज्जवल दे रही है चलिए आइए बाबा जी वोट है कौन मेयर कौन हो सकता है कौन सी पार्टी भाई अब अपन पार्टी जनता अपने प्रभाव प्रचार कर रहे हैं अब जो है ये वो है ठीक है आपको क्या लगता है मैडम कौन इस बार जीत सकता है छाता तो ये एक नया वोट आया आपको क्या लगता है ये हम यहाँ के नहीं अच्छा आप यहाँ के नहीं हैं आप यहाँ के हैं क्या यहीं की क्या क्या लगता है इस बार कौन मेयर होना चाहिए मेयर कांडा पर कामनी राठौर जी पक्का 100% अच्छा वो भारी बहुमत जीत रही है भारी बहुमत से जीत रही है भारी बहुमत से जीत रही है जी तो इधर बहुमत भी बता रहे हैं बहुमत से जीत रही है आपको क्या लगता है कौन इस बार मेयर हो सकता है बीजेपी उन्हीं की लहर आइए तो इधर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं भाभी जी कौन इस बार मेयर हो सकता है कौन सी पार्टी बीजेपी कामनी राठौर आइए तो यहाँ पर भैया कौन सी पार्टी इस बार देखो कोई मेरे को जीते पता फिर भी कोई आइडिया नहीं नो आइडिया इधर नो आइडिया
No idea. अरे मैम चलता हुआ कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर. एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि कुछ चलते हुए लोग मिले और वो बिना खबर फैन और मुश्किल हो रहा है. आपका वोट है? वोट है आपका? नहीं है. आपका कौन कौन मेयर हो सकता है इस बार? मेयर कौन होना चाहिए? ये रोलिंग है कौन ना राठौर. कामिनी राठौर. कामिनी राठौर. कामिनी राठौर. वेल कामिनी राठौर. इसी जिम्मेदारी अपने शहर की भी निभाए हैं. ये बताएं कि कौन इस बार महापौर हो सकता है? बता दो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में. इसके बारे में कोई पता नहीं. ये अच्छी बात है. जी जी आप बताइए मेयर की चांसेस किसके लग रहा है? वोट पर खड़ा हुआ है. पार्टी बताइए बीजेपी सपा बसपा कांग्रेस कौन हो सकता है? मतलब अभी मतलब यहाँ पे फोड़ा कर हम लोग मैं डायरेक्टर को साफ सुझाता बीजेपी. आपको क्या लगता है? बीजेपी. चलिए इस बार महापौर मेयर कौन बन सकता है? कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? अच्छा तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कौन सी पार्टी कितनी चाहिए? आपको नहीं बताया तो उन्हें तो कहता है मोदी जीतेगा और कौन कहता है वो मायावती जीत रही है. अच्छा अच्छा और दोनों में टक्कर चल रही है. हमको तो पता ही नहीं है ना. अच्छा जीतेगा. अच्छा चलिए इधर लोगों को पता नहीं है. वो कह रहे हैं कि मायावती और मोदी की टक्कर है. अरे ये बेने को लड़ी नहीं यार. तो पार्टियां हैं लेकिन फिर भी इधर पूछते हैं इस बार मेयर कौन बन सकता है? ये बनिए भाई. आप बनेंगे? आप करें? नहीं. अच्छा ये इधर इशारा कर रहे हैं यार आप. फिक्र अच्छा आप बताएंगे. बताइए कौन बन सकता है मेयर? बताने पर उम्मीद पर नहीं है. उम्मीद नहीं है? अरे कोई तो जीतेगा. कोई एक पार्टी का नाम बताओ. फूल. तो फूल 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 जीत सकता है. चल फूल यानी कमल का फूल यानी बीजेपी. कृष्णा प्रिया कलेक्शन भैया कौन इस बार मेयर हो सकता है? उज्ज्वल गुप्ता हो सकता. उज्ज्वल गुप्ता हो सकती है. चलिए उज्ज्वल गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के लिए एक और वोट. भैया इस बार मेयर कौन हो सकता है? मेयर हमारा वोट तो भाजपा को जाएगा. भाजपा भाजपा को जाएगा इनका वोट. आइए इधर यार. ये बड़ा सा शोरूम है दूनागर. आ जाए. इस बार मेयर कौन बन सकता है भैया? जी कामिनी राठौर. कामिनी राठौर. कामिनी आप बताए. कामिनी राठौर. आप बताइए. कामिनी राठौर जी. कामिनी राठौर. आइए अच्छा शोरूम से रेंट पे चंगा रह गया. तो वो बंदी की आप यार आप उज्ज्वल गुप्ता जी जीतेंगी खाली और कोई नहीं जीते हो. अरे तुरंत बदल गए यार. नहीं जिन्होंने नहीं कहा था. अच्छा ये नहीं था ये अभी आए हैं. हाँ काम नहीं तो जीत ही नहीं सकती. अच्छा मेरा आनी आनी है 100% 100%. अच्छा उज्ज्वल जीत रही है. कितने वोटों से? अब ये नहीं कह सकता फिर अभी. काम नहीं हारनी आनी है. हारनी है. हारना डेफिनेट है 100%. अरे चलिए थैंक यू वेरी मच. अच्छा इस बार कौन मेयर बन सकता है? ये आप कौन भाई साहब? आप मेयर बन रहे ना? आप वो तो फिर यार मेरे का वो पकड़ कर तुम्हारे सामने काटो कहीं भी काटो. आइए कुछ कौन इस बार महापौर कौन बन सकता है? उज्जैन गुप्ता. आपको क्या लगता है? उज्जैन गुप्ता. आपको? उज्जैन गुप्ता. उज्जैन. चलिए आप बताइए. मैं तो बता दी फिर आप वोटिंग ना आप बताइए. अच्छा वोट भी नहीं है. चलो ठीक है वोट नहीं है. तो ये नहीं तो बताने तो मेरे हमें सिर्फ ये पूछना है कि कौन जीत रहा है. फालतू बातों से हमें मतलब नहीं. हम बस सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि लोगों का रुझान क्या कह रहा है, किस तरफ इनका मूड जा रहा है और कौन इस बार महापौर का पद संभाल सकता है. इस बार महापौर कौन बन सकता है? महापौर सर बीजेपी. बीजेपी. कामिनी राठौर. कामिनी राठौर बीजेपी. जी आपको क्या लगता है इस बार महापौर कौन होना चाहिए, कौन सी पार्टी? देखो महापौर के लिए अभी क्या रुझान है वैसे भाजपा तो उज्ज्वल गुप्ता होनी चाहिए. उज्ज्वल गुप्ता होनी चाहिए. आइए
और लोगों से जाने किस बार महापौर के पद पर वो किसको बिठाना चाहते हैं। तो ये कोटले रोड का सर्वे हम कर रहे हैं और सिरोटले रोड पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि उज्जैन गुप्ता का गुनाम है वो ज़्यादा सामने आ रहा है। बाकी आम लोगों से भी जाने कि किस तरीके के रुझान है। सर इस बार महापौर कौन बन सकता है, कौन किस कौन बनना चाहिए? ये बनने के लिए तो खैर कोई भी बन सकता है, अपने अपने सूर हैं और इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जो उसकी योग्य वो बनना चाहिए। कौन योग्य दिखता है आपसे? ये अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नए नए चेहरे आए, ये कोई पुराना चेहरा इसमें है नहीं, तो किसी को कुछ कहने कहा नहीं जा सकता है। और ये देखते हैं, वैसे तो ये है कि बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा है। बीजेपी इधर इधर जानते हैं कौन इस बार मेयर कौन हो सकता है। आप जो भी हो वो तो ऊपर वाले के आदमी हैं, हमारे आदमी क्या है, फिर भी वोट तो आप देते हैं। वोट तो देते हैं जो भी हो, अच्छा हुआ। कौन? जो भी हो भाजपा पार्टी। हम तो बीजेपी समर्थक हैं, तो बीजेपी होना चाहिए हमारे। चलिए चलिए इधर बीजेपी आया। और लोग इधर, हाँ इधर और कुछ लोग मिले हैं। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? कौन सी पार्टी? बीजेपी। आपको क्या लगता है? बीजेपी आप बताइए। बीजेपी। चलिए तो ये यहाँ के लोगों की क्या लगता है इस बार कौन मेयर होना चाहिए? देखो जैसा माहौल है उस हिसाब से तो बीजेपी ही निकले। अच्छा देखो जनता का मूड क्या लग रहा है? बीजेपी। ऐसे लहर तो बीजेपी की, बीजेपी की लहर है। आइए इधर जानते हैं सर इस बार किसकी लहर है। देखो बीजेपी का ज़्यादा हल्ला है और जहाँ तक है बीजेपी का ही कैंडिडेट, बीजेपी का ही कैंडिडेट निकलेगा। आइए और लोगों से जाना सर इस बार किसका लहर है, किधर लहर जा रही है, हवा किधर है? वह रफ उनको तो भी जानकारी में नहीं है। तारे हमें लगता है वो तो वही है रहा है कौन, सपा या बरुस्ती भाजपा की जो जी रहे। अच्छा फिर भी दोनों में से अगर चुने तो कौन होना चाहिए? अब फिर डल रहा है, अब सब चले उठा रहे बीजेपी। बीजेपी आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ इसीलिए इधर के विषय। चलिए चलिए इधर के विषय में नहीं पूछते हैं आपसे, इधर के विषय इधर से पूछते हैं। भैया इस बार कौन महापौर होना चाहिए? उज्जैन गुप्ता होना चाहिए। अच्छा आप? उज्जैन गुप्ता। अच्छा संजीव बीजेपी। बीजेपी आप बताइए। संजीव बीजेपी। अच्छा भैया अन्ना प्रदेश तो यहाँ बीजेपी है और फिर जानते हैं भैया। ठीक है इस बार मेयर कौन होना चाहिए? जैसे बीजेपी। बीजेपी आइए इधर, बीजेपी इधर आओ। मैम इस बार कौन मेयर होना चाहिए, कौन सी पार्टी? हम लोग बाहर से आए हैं। अच्छा आप भी बाहर से हैं। चल भैया आप अंदर से हैं? चले गए बाहर, चले गए वो। ये अंदर वाले लोग बाहर चले जाते हैं यार। केसरिया वाले भैया आप बताइए कि कौन मेयर हो सकता है इस बार, किसकी राय है? गुप्ता जी। अच्छा गुप्ता जी बताइए। अच्छा गुप्ता जी आप बताइए। अच्छा आए देखो सभी गाने आए थे। कौन सी पार्टी? सभी पार्टियाँ हैं, किसको बताओ? जो जिसकी लहर आपको देख रही हो, जिसकी तरफ आवाज चल रही हो। लहर सबकी देख रही। अच्छा चलिए सर अपने आप। चलिए 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 गुप्ता जी कौन इस बार मेयर हो सकता है? कामिनी राठौर। और कामिनी राठौर। अच्छा लग तो यही रहा है, पता चले। चलिए आगे पता चले तो आगे पता करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भैया इस बार कौन हो सकता है महापौर। भैया इस बार कौन होगा महापौर? भैया जी बताएंगे। जी बताएंगे भैया बताइए। ले यार उधर से इधर भेजा यार। सनी भैया बताओ कौन, बताओ अब दोबारा बोलो कौन सी पार्टी का मेयर हो सकता है इस बार? इतनी जानकारी बीजेपी।
बीजेपी सपा बसपा बीजेपी ओनली बीजेपी के अलावा को नहीं दिखेगा। अच्छा क्यों? ओनली बीजेपी क्यों? उसके कार्यकर्ता के हिसाब से उसका काम भी चल रहा है और काम उसका नाम भी हो रहा है, उस हिसाब से बीजेपी निकलेगी मेरे हिसाब से। नहीं ऐसा ना, माफिया हट रहा है, सब कुछ हट रहा है, माफिया पूरा खत्म कर दिया, पूरा सब कुछ हट रहा है, सब अब चीजें सही हो गई हैं उस वजह से। बीजेपी बीजेपी चलिए आइए और लोगों से जाने की इस बार फिरोजाबाद में कौन होगा महापौर। फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ रुझान दिख रहा है हमें कोटला रोड पर, जो हमने सर्वे किया कोटला रोड पर, लोग जो कह रहे हैं वो भाजपा के समर्थन में दिख रहे हैं। और आज फिर हमें आम वाले भैया मिले हैं। आम वाले भैया, आम वाले भैया, कौन इस बार महापौर होना चाहिए? कौन सी पार्टी का मेयर होना चाहिए? फूल वाले हैं आप? अच्छा फूल वाले हैं इधर। हाँ इस बार मेयर कौन होना चाहिए? यही बता रहे हैं आप बताइए भैया। कामी राठौर हैं। अच्छा इधर आइए भैया। भैया इस बार मेयर कौन होना चाहिए? भाजपा इधर कह रहे हैं। तो आइए और लोगों से जाने कि इस बार कौन होगा महापौर। और धीरे धीरे चलते चलते हम आ गए हैं कोटला चुंगी चौराहे पर। और कोटला चुंगी चौराहे पर हम कुछ और लोगों से पूछेंगे कि इस बार भैया इस बार महापौर मेयर कौन बन सकता है? कामनी। कामनी आपको क्या लगता है? कामनी जी। कामनी जी अच्छा चलिए इस बार मेयर कौन बन सकता है भैया? पता नहीं मुझे। पता नहीं आपको क्या लगता है मेयर कौन बनेगा? पता कौन अभी जानकारी नहीं है, तो किधर जानकारी हो तो उनसे पूछे। आई 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 ये कोटला चुकी चौराहा है और कोटले चुकी चौराहे पर भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? अभी तो मेरा कोई विचार नहीं कौन बनना चाहिए। कौन सी पार्टी फिर भी तो जो अच्छा आदमी है वही बनना चाहिए। हवा किधर दिख रही है आपको? हवा तो उज्जवल और कोई कामिनी दो चल रही है। उज्जवल और कामिनी दोनों में से अगर चुना जाए तो कौन चुनेगा? अभी तो मालूम नहीं कौन चुना जाएगा। चलिए तो यहाँ पर डाउट है, दुविधा है और दुविधा जो है उसको क्लियर करते हैं किसी दूसरे से। क्या लगता है आपको इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? तो भैया क्या बताएं, मतलब इतने पढ़े लिखे है ना, जानकारी है ना। अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, वोट तो है ना आपका? वोट तो है। हाँ तो कैसे देंगे आप? कहोगे किसी हम क्यों कहेंगे, आपका वोट है, आप जाने, आप जिसको देना पसंद करें। अब वक्त बताएगा। चलिए वक्त बताएगा, इधर वक्त बताएगा। इधर आपको क्या लगता है इस बार मेयर कौन होना चाहिए? आप यहाँ के नहीं है? आप यहाँ के हैं? आप यहाँ के हैं? नहीं आप नहीं है, आप हैं? आप भी आगरा से आए हैं। चलिए तो यहाँ सारे लोग बाहर गए। इससे ये भी पता चलता है कि फिरोजाबाद में बाहर के भी लोग हैं जो यहाँ आकर के रोजगार पा रहे हैं। इस बार मेयर कौन होना चाहिए? भाजपा के अलावा और कोई नहीं है। भाजपा कामनी राठौर। कामनी राठौर भाजपा। चलिए गिन लिया आपका वोट। गिन लिया हाँ जी बाबा जी, इस बार मेयर कौन बन सकता है? कौन मेयर बनना चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा कुछ नहीं कह सकते हैं, चलिए आइए जो कह सकते हैं उनसे पूछें किस बार मेयर कौन। मेयर कौन तेरे को बताऊँ? मेयर बता दो जिसका आपको मन चाहे। तो किसी का मन नहीं जा रहा। अच्छा सब बेकार है, लोटा सब चोर है, लोटा लोटा ही है और मान लो और क्या है, लोटा है इधर। हाँ जी तो चले इधर पूछते हैं।
हाँ भैया, इस बार मेयर कौन बन सकता है? और कोटला रोड पर ही चलेंगे, कोटला रोड पर ही पूछेंगे लोगों से, इस रोड को आगे बातें कंटिन्यू। और ये कोटला चुगी चौराहा, कोटला चुगी चौराहे से अब हम जा रहे हैं पीडीएम की तरफ। सर, इस बार कौन मेयर बन सकता है? सर, मेयर सर या बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, आपको क्या लगता है? बीजेपी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कौन मेयर बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता, चलिए जी। तो जल्दी जल्दी जान रहे हैं हम, ये क्विक सर्वे है तो हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते। कौन मेयर बनना चाहिए इस बार? इस बार गुप्ता। गुप्ता, उज्जवल गुप्ता। आइए, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए सर? बढ़िया होगा सर, वो बनेगा। उम्मीद किसकी दिख रही है? फूली की दिख रही है। फूल यानी बीजेपी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी से मेयर बनेंगे इस बार? नहीं पता, नो कमेंट। कुछ लोग नो कमेंट वाले भी होते हैं। कौन मेयर बनना चाहिए इस बार? मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? कौन सी पार्टी? अच्छा आप बताइए, कौन कौन? भैया हम तो फूल वाले हैं। अच्छा, हम तो फूल को देते हैं। फूल को देते हैं, तो इस बार कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? मेयर वो बनना चाहिए जो भी सही हो, अपने समाज को यहाँ देख सके, ठीक है, गली मोहल्ले या जो भी एक्स वाई जेड हैं यहाँ के शहर के, उनके जो भी वातावरण है सभी को स्वच्छ रख सके और हम लोग खुश रह सके और अच्छी तरह रह सके। किसकी उम्मीद है? उम्मीद देखिए आगे जो भी है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, बस एक मुझे क्लू दे दीजिए कि किसकी उम्मीद है। उम्मीद देखो आगे चल के देखते हैं, क्योंकि अभी समय समय है, बच के निकल रहे हैं। किसकी उम्मीद है, किसकी उम्मीद है, कौन जीतेगा? जान भैया सभी हम लोग कह रहे हैं कोई ना कोई जीते भैया, कोई ना कोई तो जीते भैया, कोई ना कोई। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? भाजपा। पक्का? डेफिनेटली। सर कौन जीतेगा इस बार, मेयर कौन बनेगा? कामनी राठौर। अच्छा पक्का? इधर मेयर कौन सर, मेयर कौन इस बार? ये भाई साहब। अच्छा बड़े अरे नहीं नहीं आप बताइए ना, वोट तो आपका भी है, वोट तो आपका भी है ना? मेरा कुछ नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से हूँ। अच्छा चलिए, तो यहाँ से कौन है? यहाँ से वाले यहाँ है, यहाँ से वाले यहाँ है। भैया इस बार कौन कौन मेयर बनना चाहिए? मेयर तो भैया वैसे इस बार उज्जवल गुप्ता ही बननी चाहिए। उज्जवल गुप्ता बननी चाहिए, आपके हिसाब से कौन? कामनी राठौर। कामिनी राठौर, इधर आया एक वोट कामिनी राठौर का, इधर उज्जवल गुप्ता का। कामिनी राठौर, आपकी तरफ से भी कामिनी राठौर। चलिए और जानते हैं लोगों को। भैया यहाँ पर मिला जुला रुझान है, कोटला रोड जो है वो बड़ा असमंजस में डाल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ के जो लोग है वो यहाँ डाउट पैदा कर रहे हैं। सर इस बार कौन मेयर बनना चाहिए? कौन मेयर बनना चाहिए जी? अब क्या बताएं भाई साहब, वैसे तो हमारे हिसाब से तो वैसे उज्ज्वला गुप्ता पढ़ी लिखी क्यों गया है। अच्छा, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से वो बनना चाहिए। हाँ, लेकिन पार्टी के हिसाब से हाँ भैया वो कमल में जाए। अच्छा, आप कैसे देंगे? अब पार्टी को आपको एक ही को जिताना है। हाँ, और जीतना वो इसी है, कमल हाँ। कमल ही जीतना है तो कमल को ही वोट देंगे, कमल को देंगे। चलिए ठीक है, तो उज्ज्वल गुप्ता का दिमाग में था लेकिन वोट कमल को देंगे। और जल्दी जल्दी है, फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूड़ियों की दुकानें हैं जो कि फिरोजाबाद की पहचान है, और इन्हीं चूड़ियों को देश विदेश तक लोग जो है वो लेकर जाते हैं, नाम जाना जाता है चूड़ियों की वजह से फिरोजाबाद का नाम है। सर नमस्कार, इस बार किसको वोट देंगे आप और कौन किसकी होगी सरकार, मेयर कौन बनेगा? सरकार तो जो है बनेगी तो बनेगी, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, कौन हो सकता है अच्छा प्रत्याशी इस समय? उज्ज्वला गुप्ता का अच्छा वो है, शिक्षित भी है, अच्छी भी है। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? उज्ज्वला गुप्ता। उज्ज्वल गुप्ता, चलिए आइए भैया, इस बार आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए मेयर? उज्ज्वल गुप्ता। उज्ज्वल गुप्ता, आइए कुछ और लोगों से जाने कि हाँ
भैया इस बार कौन मेयर होना चाहिए हमारे हिसाब से? हमारे कामिनी राठौर होनी चाहिए मेयर। कामिनी राठौर होनी चाहिए? अच्छा, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मेयर? मेयर कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो कह रहे जहाँ तक वहाँ तक उम्मीद तो फूल की दिख रही है, यानी बीजेपी। आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता, उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता आपको लगता है? आपको क्या लगता है? अगर बीजेपी दिखता है, बीजेपी दिखती है। आपको क्या लगता है मैम, कौन जीतना चाहिए इस बार? मेयर कौन होना चाहिए, कौन सी पार्टी? मोदी भाजपा बीजेपी? चलिए इधर। अच्छा सर, क्या लगता है आपको इस बार कौन मेयर होना चाहिए? बीजेपी से होना चाहिए। बीजेपी से होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। तो हाँ, तो ये लोग हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि रुझान दे सकते हैं, एक एक, एक आपको थॉट दे सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं इस बार कौन मेयर होना चाहिए। मेयर कौन होना चाहिए, कौन सी पार्टी? उज्जवल गुप्ता होनी चाहिए। उज्जवल गुप्ता। अच्छा इधर सर, कौन मेयर हो सकता है इस बार? इस बार मेयर तो जब ना फूल का ही बनेगा, नाम फूल का ही बनेगा। फूल का ही बनेगा यानी बीजेपी। आपको क्या लगता है? फूले तो देंगे सबको, दे सबको। अच्छा फूल पर ही देंगे साहब जी। अच्छा धमाका, धन्यवाद। क्या लग रहा है सर इस बार कौन मेयर होना चाहिए? मेयर इस समय वो होना चाहिए जो समाज सेवा से जुड़ा हो। हाँ। और यहाँ के जनपद की जो है पानी समस्या है, बिजली हाँ। की समस्या है हाँ। गलियों की समस्या है जी, रोड की समस्या है, वो समस्या को हल कर सके ऐसा मेयर होना चाहिए। तो कौन हो सकता है, उम्मीद किसकी है? इस समय जो है उज्जवल गुप्ता जी है और कामिनी गुप्ता, क्या नाम है, कामिनी राठौर के बीच में मुकाबला है। अच्छा जी, दोनों में से किसकी जीत हो सकती है? अभी आने वाला भविष्य बताएंगे। एक एक को चुने तो कौन हो सकता है? जैसे इसमें सबसे सर्वोपरि है उज्जवल गुप्ता जी। उज्जवल गुप्ता। चलिए हाँ सर, आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता आपके हिसाब से कौन? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता, तो इधर भी उज्जवल गुप्ता है। और मैडम इस बार कौन मेयर होना चाहिए, किस पार्टी से? सॉरी, थैंक यू सो मच। इस बार मेयर कौन होना चाहिए? मेयर कौन होना चाहिए? मेयर कौन होना चाहिए? क्या मेयर, क्या नाम है जी आपकी गली में? नहीं, क्या नाम है इसका? कौन सी पार्टी? पार्टी नहीं, निर्दलीय होनी चाहिए। अच्छा निर्दलीय है। हाँ निर्दलीय है। का नाम अपनी यहाँ का? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता। हाँ। अच्छा आइए आइए, और लोगों से जाने, और लोगों से मिलेंगे तो पूछेंगे और आपको एक आंकड़ा बताएंगे, एक आंकड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोगों में रुझान क्या है। और जो उज्जवल गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर दिख रही है वो किस तरफ जाती है, ये हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आपका वोट है? अच्छा ठीक है। इधर सर, क्या क्या आपका रुझान क्या कहता है कि इस बार कौन जीत सकता है? क्या बताऊं, कौन सी पार्टी जीतेगी, अब ऐसे क्या बताऊं मैं। वो याद याद दिख रहा नहीं है। उम्मीद किसकी है? हैं, उम्मीद किसकी है? बीएसपी की उम्मीद। बीएसपी की, बीएसपी का वोट है। तो ये था फिरोजाबाद में कोटला रोड पर जनता का मन। हमने आपको बताया कि जन का मन क्या कह रहा है, जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो हमें चीज़ देखने को मिली वो उज्जवल गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी दोनों की टक्कर देखने को मिली। लेकिन नीचे के आंकड़े आप खुद देख सकते हैं कि किसकी जीत है और लोगों के मन में रुझान क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये सर्वे जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आपको एक आइडिया होगा कि फिरोजाबाद में किसकी हवा है, किसकी लहर है और किस तरफ जो जनता का रुझान है, जनता का मूड है वो
किधर वोट कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सर्वे पहुंचना चाहिए। फिरोजाबाद के हर आदमी के पास ये सर्वे होना चाहिए ताकि ये रुझान मालूम पड़ सके कि फिरोजाबाद में जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो प्रत्याशी लगे हुए हैं, वो किधर की तरफ हवा कह रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आएंगी सामने। लेकिन वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर लीजिए और घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि घंटा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घंटा नहीं दबाएंगे तो आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और साथ के साथ में हम आपको बता देंगे कि लास्ट में ये सारे सर्वे करने के बाद में एक अंतिम सर्वे हम जरूर करेंगे जिसमें हम आपको ये सारे सर्वे का निचोड़ बताएंगे कि कौन हर एक सर्वे में हमारे में कौन विजयी होकर आया है। तो ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।